आप बोल रहे हैं आप बोल रहे हैं पीछे पर कानून के प्रति सम्मान रखते हुए अगर ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो हमारे देश में अनेक निरपराध लोगों की एक प्रकार से जीवन को हम बचा सकते हैं। मुझे आज आपको इस बात की खुशी है कि हेलमेट पहने हुए युवक अपने बाइक पर वहाँ आए हैं। हम रोड सुरक्षा के लिए, सड़क सुरक्षा के लिए फोटो लेना। अरे फिर तो आगे चलो। अरे सर ये एक मिनट भैया। हेलो, जिसके पास हेलमेट है और ग्राउंड में खड़ा मिले उसका हेलमेट वापस ले लो। जिसके पास हेलमेट है और ग्राउंड में खड़ा है या मोटरसाइकिल लेके खड़ा वापस ले लो। ओ भैया प्लीज आ जाइए। जी 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 जी
3596 दो हॉर्स ले बोलो। अच्छा चुपचाप साइड से ले जाओ। और क्या आज माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के ऊपर मन की बात में एक बार जिक्र किया था सड़क सुरक्षा का, हेलमेट पहनने का, तो उनकी प्रेरणा से चित्तौड़गढ़ सेवा संस्थान ने आज चित्तौड़गढ़ संसदीय क्षेत्र के 18,000 युवाओं को हेलमेट देने का कार्यक्रम किया, जो अपने आप में विश्व रिकॉर्ड है, एक बड़ा रिकॉर्ड, एशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया वर्ल्ड रिकॉर्ड ने आज उसको रिकॉर्ड में शामिल किया है। और इस संस्थान ने पहले भी अनेक सेवा के काम किए। आज चित्तौड़ की धरा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रही है और उनकी प्रेरणा से बताए हुए मार्ग पर कई लोग काम कर रहे हैं। इस दिशा में इस संस्था ने भी एक अनूठा कार्यक्रम किया है। हम सब लोग हमारे देश के यशस्वी, ओजस्वी, तेजस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की बहुत ढेर सारी शुभकामना देते हैं। विश्वकर्मा की जैसे जयंती पर आज उन्होंने लॉन्चिंग किया, क्या है प्रोग्राम? विश्वकर्मा जयंती के ऊपर आज ये योजना लॉन्च की और पूरे देश भर में अनेक मंत्रियों के माध्यम से आज आगाज हुआ। उसमें चाहे लोहार हो, चाहे सुथार हो, चाहे दर्जी हो, चाहे मोची हो, चाहे मूर्तिकार हो, ऐसे अनेक लोगों के लिए रोजगार साधने का और उनके व्यवस्था करने का एक बहुत बड़ा कारक ये योजना बनेगी। और उन हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों के लिए, युवाओं के लिए रोजगार न सिर्फ उनको मिलेगा बल्कि वो भी अनेक लोगों को रोजगार देने का माध्यम इस योजना के माध्यम से बन पाएंगे।